हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम जा रहे हैं अपने फार्म पे, और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सन है, वो हमारे बाबा जी। ये मेरे बाबा हैं, ऐसे कर दो हाय। पता है मैंने उनसे बोला जब मैं कैमरा ऑन करूँ तो उनको आपको ऐसे करना है, तो मैंने उनको पहले सिखाया करने के लिए, ऐसे करने के लिए। आज हम जा रहे हैं अपने फार्म पे, काफ़ी टाइम बाद अपने फार्म पे नहीं गए थे, तो बाबा ने बोला कि चल देख के आते हैं, काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। मतलब वो काफ़ी गांव साइड एरिया में जाके है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, आपको दिखाता हूँ अभी। ये लोग कैसे रहते हैं यार, मतलब कितनी मुश्किल से ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं। अगर आपको लगे ना कि आपकी लाइफ बहुत हार्ड है तो एक बार ऐसे लोगों को देख लेना, पता लग जाएगा कि आप कितनी अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो। और गांव साइड की रास्ता ना ऐसी होती है छोटी छोटी सी, अभी पता है रास्ता पहले बहुत खराब थी, फिर भी कंस्ट्रक्शन हो गया थोड़ा बहुत तो ठीक हो गई है। और ये गॉट वगैरह आ रही हैं सारी, छोटी बड़ी सब है इसमें। मतलब आप गाँव साइड आओगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। और ये देखो आप कितना हरा भरा पूरे में चारों तरफ। आप अगर गांव साइड ही रहना, आप अगर गांव वगैरह है तो जाके देखो यार, बड़ा मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हम अपने गांव जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कहते हम आ चुके अपने फार्म पे। ये पीछे पूरा अपना फार्म है, पूरा अपना एक खेत है पीछे। मतलब ये यहाँ से लेके वो जो एंड दिख रहा है ना, वहाँ तक ये पूरा अपना ही है। तो पता है आप में से काफ़ी लोगों को बहुत स्टूपिड लग रहा होगा कि मतलब क्या ये चूतियाबंदी कर रहा है, नौटंकीबाजी कर रहा है ब्लॉग के नाम पे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग सिर्फ पार्टी वगैरह का हो, तुम हैंग आउट कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, क्लब वगैरह में नाइट आउट कर रहे हो, सिर्फ उसका ब्लॉग बन रहा है, उसका ऐसा हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ, दिखता कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और हूँ, ठीक है। सो देखो शांति कितनी है, एक बार आप फील करो अच्छे से। इतनी शांति मिलती है ना, इतना शांत लगता है यहाँ पर आके, क्या बताऊँ आपको। और सिटी साइड में तो इतना आवाज़ रहती है बहुत ज़्यादा, हॉर्न, बाइक की आवाज़, कार की आवाज़, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है ना माइंड। और ऐसे गांव साइड एरिया में आके इतनी शांति मिलती है, आके एक जगह आके बैठ जाओ पेड़ की शेडों में आके, सच में बहुत सुकून मिलता है। अगर आपको शांति चाहिए ना दिल से मन से, तो अपने कभी ऐसे गाँव साइड एरिया में जाना और एक कोई पेड़ हो अच्छा, उसकी शेडों में जाके बैठना, सच में बहुत सुकून मिलता है। ये ट्यूबवेल, यहाँ से सारा पानी जाता है अंदर पाइप के थ्रू। इसमें नहाएगा, इसमें हाथ तो डाल दूँ इसके अंदर आ जा। और ये हमने कुछ वेजिटेबल्स तोड़ी अपने खेत से, है क्या ऐसे? सरसों की भुजिया। अच्छा मठा जमा लेते, दूध जमा लेते। और कुछ चाहिए? अब कुछ रह गया है? अब कुछ रह गया है? वो कछु ना जाएगा, हैं? चलो चले काम करो चोर का। चलते हैं घर पे वापस, मुझे अभी जिम भी जाना है। और यहाँ आके बहुत सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा। मैं आ गया अपने घर, और मुझे लगता है मुझे हेयर कट की ज़रूरत है, तो वो तो बाद में करा लेंगे। चलो चलते हैं सीधे जिम में, और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक और चेस्ट, तो एंजॉय द वर्कआउट, मिलते हैं सीधे जिम में। ये काट देना मेरा अमरूद, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमरूद को? गुआवा। हाँ, और ये अपनी दूसरी ब्यूटी हेड एंड ब्लैक। मैं जिम आ चुका हूँ, और आज संडे है तो पूरी जिम खाली है, आराम से मस्त वर्कआउट करेंगे। ये बताओ कैसा लगता है आयरन मैन?
गैस फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेस का बायोजेम्स वे प्रोटीन, जो कि एक ब्लेंड प्रोटीन है कंसंट्रेट और आइसोलेट का। और हमारी आज की पोस्ट वर्कआउट मील होने वाली है ओट्स, 250 ml ऑफ मिल्क और ड्राई फ्रूट्स। और हमारे ओट्स बन के रेडी हो चुके हैं लगभग, और ये बाल थोड़ा गर्म है इसलिए मैं उसको इस चीज़ से पकड़ के ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इस चीज़ को, जो भी बहुत काम की चीज़ है। और इसमें मैं डालने वाला हूँ 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर, जिससे इसका प्रोटीन कंटेंट और हेल्थी फैट्स थोड़े बढ़ जाएंगे। बहुत टेस्टी बने। फिर आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, और मैं हेयर कट कराने गया था तो बताओ हेयर कैसे लग रहे हैं, उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।